जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव धारा शिवमा स्थित ज्ञानबोध हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई चोरी के मामला में नवागढ़ पुलिस ने मिली सफलता। देखो रिपोर्ट। पुलिस ला मुखबिर ले सूचना मिली कि किरित गांव के पैठू तालाब के तीर के पैरा में कंप्यूटर सीसीटीवी सीपीयू प्रिंटर जैसे बहुत कन सामान लावारिस स्थिति में पड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौका में पहुंच के सबो सामान ला जब्त करके थाना लाईस। मामला के छानबीन में छोटेलाल और विवेक नामक दो व्यक्ति मन ले सख्ती से पूछताछ करी। छोटेलाल है स्कूल में चोरी करेला स्वीकार करीस। पुलिस है ये मामला में एक नाबालिग घलोला गिरफ्तार करी है। ज्ञानबोध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धारा शिव के अपराध से आरोपी छोटेलाल पिता जगत राम एवं चंद्र प्रकाश पिता शंभु यादव को धारा 457, 380, 34 के तहत जब्त करके उनको न्यायिक प्रकरण जमानती होने से न्यायिक जुडिशियल रिमांड पर रवाना किया गया है। आप मल्ला बता दीन कि 22 से 26 तारीख के दरमियान ज्ञानबोध हाई स्कूल ने सामान चोरी के मामला में पुलिस अज्ञात चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू करे रहीस। आज मुखबिर के सूचना ले ये मामला में पुलिस ला सफलता मिलीस। नवागढ़ ले डिजिटल रिपोर्टर आशीष कश्यप की रिपोर्ट।